किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये बहुत डरी हुई है, कह रही है कि एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, यानी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई इसको मारने के इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए बोल रही है कि एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यहाँ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इंग्लिश में बोलेंगे द सिचुएशन हेयर इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, द सिचुएशन हेयर इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, कह रही है कि यहाँ पे जो हालात हैं, यहाँ की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। द सिचुएशन हेयर इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, उसने उसे मार डाला और तुमने उसे ऐसा करने के लिए भड़काया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम भड़काने के लिए एक वर्ड का यूज़ करेंगे जो होता है इंसाइट, यहाँ पर पास्ट में है तो इसलिए इंसाइटेड हो जाएगा। कह रही है कि ही किल्ड हिम एंड यू इंसाइटेड हिम टू डू इट, ही किल्ड हिम एंड यू इंसाइटेड हिम टू डू इट, यानी उसने उसे मार डाला और तुमने उसे ऐसा करने के लिए भड़काया था। तो जवाब में कह रहा है कि मैंने उसे कुछ भी करने के लिए नहीं भड़काया था, आई डिडेंट इंसाइट हिम टू डू एनी थिंग, आई डिडेंट इंसाइट हिम टू डू एनी थिंग, यानी मैंने उसे कुछ भी करने के लिए नहीं भड़काया था, आई डिडेंट इंसाइट हिम टू डू एनी थिंग, ये झूठा आरोप है, इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज अ फॉल्स एक्यूजेशन, दिस इज अ फॉल्स एक्यूजेशन, यानी झूठा आरोप है, दिस इज अ फॉल्स एक्यूजेशन। किसी ने घर में आग लगा दी, तो यहाँ पर घर में आग लगा दी, तो आग लगाने के लिए हम यूज करेंगे सेट ऑन फायर, तो यहाँ पर बात चल रही है घर की, तो इसकी इंग्लिश होगी समवन सेट द हाउस ऑन फायर, समवन सेट द हाउस ऑन फायर, यानी किसी ने घर में आग लगा दी, समवन सेट द हाउस ऑन फायर, तो कह रही है कि मैं जानना चाहती हूँ घर में आग किसने लगाई, आई वॉन्ट टू नो हु सेट द हाउस ऑन फायर, आई वॉन्ट टू नो हु सेट द हाउस ऑन फायर, यानी मैं जानना चाहती हूँ घर में आग किसने लगाई, आई वॉन्ट टू नो हु सेट द हाउस ऑन फायर, जिसने तुम्हारे घर में आग लगाई, बोल रहा है कि द वन हु सेट योर हाउस ऑन फायर, द वन हु सेट योर हाउस ऑन फायर, यानी जिसने तुम्हारे घर में आग लगाई, द वन हु सेट योर हाउस ऑन फायर, वो व्यक्ति चला गया, दैट पर्सन इज गॉन, दैट पर्सन इज गॉन, यानी वो व्यक्ति चला गया, दैट पर्सन इज गॉन। आज मैं जेम्स से मिला था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, आप ध्यान से समझना। एक फ्रेजल वर्ब होती है आस्क आफ्टर, जिसका मतलब होता है किसी की हालचाल पूछना, किसी के बारे में पूछना। तो मैं आपको यहाँ दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इसे अच्छे से समझना। तो कह रहा है कि आज मैं जेम्स से मिला था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई मेट जेम्स टूडे, यानी आज मैं जेम्स से मिला था, आई मेट जेम्स टूडे, ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, पूछ रहा था, इसलिए आस्किंग का यहाँ यूज़ होगा। He was asking after you, वो तुम्हारे बारे में, यानी तुम्हारे हालचाल पूछ रहा था। तो जब भी हम हालचाल पूछते हैं तो क्या यूज करते हैं, ask after का। I met James today, आज मैं James से मिला था, he was asking after you, वो तुम्हारे हालचाल पूछ रहा था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो हमेशा तुम्हारे हालचाल पूछता है, यानी हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता है। He always asks After you, he always asks after you, यानी वो हमेशा तुम्हारे हालचाल पूछता है, तुम्हारे बारे में पूछता है। He always asks after you, ये phrasal verb है, इसीलिए इसकी हिंदी मीनिंग पे मत जाना, इसकी हिंदी मीनिंग अलग ही होती है। लगता है वो तुमसे प्यार करता है, आगे कह रहा है कि he seems to be in love with you, he seems to be in love with you, यानी लगता है वो तुमसे प्यार करता है, he seems to be in love with you। मैं उससे सही समय आने पर मिलूंगी, ये कह रही है कि आई मीट हिम व्हेन द टाइम इज राइट, आई मीट हिम व्हेन द टाइम इज राइट, यानी मैं उसे सही समय पर मिलूंगी, आई मीट हिम व्हेन द टाइम इज राइट, इसे अपना ही घर समझो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कंसिडर इट योर ओन हाउस, कंसिडर इट योर ओन हाउस, तो इसके घर कोई मेहमान आया है, उससे कह रही है कि कंसिडर इट योर ओन हाउस, यानी इसे अपना ही घर समझो।